हेलो फ्रेंड्स, देखिए इसके पिछले वीडियो में इसी टाइप से आप लोगों ने तीन स्ट्रक्चर्स देखे थे। बस केवल अंतर इतना था कि वहां आपने इन स्पाइट ऑफ के प्लेस पे, जिस तरीके से यहां अपन इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का यूज कर रहे हैं, इसके प्लेस पे आप लोगों ने अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स का यूज देखा था। हिंदी में भी आपका जो सेंस था वो क्या चेंज होके क्या आ रहा था कि वहां जो था आपका अपार्ट फ्रॉम और विसाइड्स के लिए मैंने बताया था आपको कि के अलावा या के अतिरिक्त, दोनों का अंतर क्या है वो देखिए। यहां सेंस क्या निकल के आ रहा है, के बावजूद। तो के अलावा के सेंस में आपने क्या होता था कि ये काम होने के अलावा ये भी हुआ, समझा। यहां पॉजिटिव पोलैरिटी होती थी, यहां ठीक विपरीत हो जाएगा, आपका निगेटिव पोलैरिटी हो जाएगी, मतलब इतना करने के बावजूद भी ये नहीं हुआ। तो इसके लिए आपने जो यूज करना है वो यूज करना है इन स्पाइट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, या आप इन स्पाइट ऑफ के प्लेस पे डेस्पाइट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें जो आपने पिछले वीडियो में देखा था ठीक वही हैं, बस केवल यहां जो चीजें हैं वो बदली हैं और वहां जो पॉजिटिव पोलैरिटी थी वो आज आपकी निगेटिव पोलैरिटी में चेंज हो जाएगी। ग्रामर भी वही लगनी है, यानी वहां भी मैंने आपको क्या बताया था कि अपार्ट फ्रॉम के बाद भी आपने वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब क्रिया में आपने आईएनजी का यूज करना है, ठीक। इसी तरीके से इन स्पाइट ऑफ के बाद भी आपने वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब क्रिया में आपने आईएनजी का यूज करना है। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उस सेंटेंस से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस टाइप की निगेटिव पोलैरिटी होती है। देखिए जैसे यहां हमने फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए लिखा कि हार्ड वर्क करने के बावजूद, कितना, वो भी 8 घंटे, सेंटेंस का आगे सेंस है कि वह पासिंग मार्क्स तक न ला सका। इसका मतलब यह निगेटिव पोलैरिटी कितना है कि इतना काम होने के बाद भी ये काम नहीं हुआ। तो इस टाइप से आपने देखना है कि जब आप इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट का यूज करते हैं तो इस कंडीशन में आपका जो दूसरे सेंस निकलता है दूसरे सेंटेंस का, वो जो सेंस होता है वो निगेटिव होता है, यानी काम करने के बाद भी आपको जब रिजल्ट नहीं मिलता तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, क्या, इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट। और जो इसके पहले जो आपने यूज किया था अपार्ट फ्रॉम, वो क्या था कि काम होने के बाद दूसरा काम भी होता था, तो इसलिए वो पॉजिटिव पोलैरिटी थी और ये निगेटिव पोलैरिटी है। ग्रामर मैंने आपको जो बताई थी वही चीज लगनी है, वहां भी मेन वर्ब में आपने आईएनजी यूज करना था, यहां भी करना है, केवल सेंस का अंतर है, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका एक्टिव वॉइस हो गया, यानी यहां आपने फोकस किस बात पे करना है कि हार्डवर्क करने के बावजूद, वो भी 8 घंटे, वह पासिंग मार्क्स तक न ला सका। इसका मतलब हार्डवर्क किसने किया, उसने। इसका मतलब आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यहां आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तब आपने क्या करना है, चूंकि V4 है, ये मैं आपको पीछे भी कई बार बता चुका हूं कि जब आप V4 का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग प्लस V3 में कन्वर्ट होता है। तो ये आपने करना है कि इन स्पाइट ऑफ प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। और ये आपने पीछे देखा था कि इसका यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में ये आता है, अमूमन सामान्य बोलचाल की भाषा में वाई प्लस सब्जेक्ट का यूज अपन नहीं करते, तो इसलिए यहां आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस आपने ये देखना है कि जो आपने एक दो सेंटेंस देखी है उस सेंटेंस से इनकी प्रैक्टिस करिए, कहां आपको एक काम के साथ जब दूसरा भी होता है तब आपने किसका यूज करना है, और जब निगेटिव पोलैरिटी आती है तब आपने इसका यूज करना है, यानी इन स्पाइट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस का होगा ये आपने निगेटिव के लिए यूज करना है, और जो आपने अपार्ट फ्रॉम यूज किया था वो आपने पॉजिटिव के लिए यूज करना है। दोनों में ये भी ध्यान रखना है कि इन स्पाइट ऑफ का जिस तरीके से यूज होता है ठीक उसी तरीके से आप डेस्पाइट का यूज भी करते हैं, और वहां आपका क्या था कि अपार्ट फ्रॉम के लिए जिस तरीके से यूज करते हैं ठीक उसी तरीके से आप बिसाइड्स का भी यूज करते हैं।
जिस तरीके से वहां एक्टिव का पैसिव था बीइंग प्लस वी थ्री से बनना था, वही यहां भी है कि आप बीइंग प्लस वी थ्री से इसका पैसिव बनाएंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, या अगर डैशपैड से बनाते हैं तो इसका भी पैसिव वॉइस आप बीइंग प्लस वी थ्री से बनाएंगे। अगर आपके पास सेंटेंस में वर्ब के प्लेस पे जो कंप्लीट वर्ब यहां आ रही है, जैसे यहां आप देख रहे हैं कि हार्ड वर्क करने के बावजूद, तो यहां आपके पास कंप्लीट वर्ब डू आ रही है। इस टाइप से अगर सेंटेंस में कंप्लीट वर्ब नहीं आती और वहां आपको कोई नाउन या एडजेक्टिव मिलता है, तब आप इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में बीइंग का यूज करते हैं और जब इसका जो सेंस होता है वो होना हो जाता है। यानी जैसे आप कह सकते हैं कि इतना धनवान होने के बावजूद तुमने कुछ नहीं दिया, बात आ रही होगी समझ में। तो ये जो है वहां क्या था कि इतना धनवान होने के, जो रिच वर्ड है, रिच वर्ड क्या है, वो आपका एक एडजेक्टिव है। तो जब सेंटेंस में कोई कंप्लीट वर्ब नहीं होती तब उस वर्ब के प्लेस पे हम क्या करते हैं कि कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है, तब हमें क्या करना होता है कि इनकम्प्लीट वर्ब, जैसे आप, मैंने कई बार बताया कि जो आप यूज करते हैं कि ही इज अ टीचर, तो इसमें जो आपने इज का यूज किया है वो एक इनकम्प्लीट वर्ब है। तो ठीक इसी तरीके से वहां भी आपने होना के सेंस में, यानी इतना धनवान होने के बावजूद, होना के सेंस में आपने बीइंग का यूज करना होता है और जो सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव होता है आप उस नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो चलिए जो सेंटेंस हमने लिखा है पहले हम उसको इंग्लिश में देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इसका यूज हमें किस तरीके से करना है। उससे पहले अपन इसे एक स्ट्रक्चर को हटा लेते हैं। अभी पहले आपने इसका एक एक्टिव वॉइस और एक इसका पैसिव वॉइस, इन दोनों को अच्छे से समझना है। सेंटेंस है आपके सामने कि हार्ड वर्क करने के बावजूद, अब सबसे पहले तो आप इनस्पाइट ऑफ यूज करेंगे, इसके बाद जो आपके पास वर्ब होगी आप उस वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी यूज करेंगे। तो हार्ड वर्क मतलब वर्किंग हार्ड हो गया, तो ये हो गया आपका कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, या आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि वो भी 8 घंटे, वो भी, ये वर्ड भी आप अच्छे से समझिए। तो जिस तरीके से आप हिंदी में भी लगाते हैं उस तरीके से इंग्लिश में आपके पास दो वर्ड होते हैं, एक तो आप इवन का यूज कर सकते हैं और एक आप टू का भी यूज कर सकते हैं, टी डबल नॉट टीओ। इसका यूज किस तरीके से करना है, वो भी, तो जिस तरीके से आप हिंदी में कह रहे हैं, हिंदी में भी शब्द जिसके बाद आता है, यदि आप भी के लिए इवन का यूज करना चाहते हैं तब आपने इवन को उस वर्ड से पहले लगाना है, यानी वो के लिए आपने लगा दिया दैट, इवन दैट, तो ये हो गया आपका वो भी। यदि आपने टू से भी की इंग्लिश बनानी है तब आपने क्या करना है, दैट टू, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, उससे भी आपको और समझ में आएगा। जैसे तुम भी आपने यूज करना है कि तुम भी, तो जब आप इसकी इंग्लिश भी की बनाएंगे तो मैंने आपको बताया कि भी के लिए आप दो वर्ड यूज करेंगे, या तो आप इवन का यूज कर सकते हैं या आप टू का यूज कर सकते हैं। यदि आप इवन का यूज करना चाहते हैं तो हिंदी में जिस वर्ड के साथ भी लगा है इवन उससे पहले लगेगा, इट मीन्स हिंदी में जो भी लगा है वो यू से, यू के लिए लगा है। आपने इसके लिए इंग्लिश में अगर भी बनाना है तो इसका मतलब आप इवन से भी बना सकते हैं और टू से भी। अगर आप इवन से बनाना चाहेंगे तो आप इसे पहले लेंगे, इवन यू, इसका मतलब हो जाएगा तुम भी। यदि आप टू से बनाना चाहते हैं तब आप बनाएंगे यू टू, तुम भी। क्लियर, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा होगा किस तरीके से आपने वी की इंग्लिश बनानी है। तो आगे देखिए सेंटेंस आपका क्या है कि हार्ड वर्क करने के बावजूद, तो इतना आपका हो गया इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। आगे कह रहे हैं कि वो भी 8 घंटे, मतलब दैट टू, वो भी कितना, 8 घंटे डेली, ये हो गया आपका 8 आवर्स डेली। इसके बाद जो सेंटेंस आपका, वह पासिंग मार्क्स तक न ला सका,
इसका मतलब ला सका, पास्ट हो गया, कैन का कुड हो जाएगा, तो होगा आपका कि ही कुडंट। नंबर लाना, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, सिक्योर। तो ये हो जाएगा आपका कि ही कुडंट सिक्योर। आगे क्या करना है, पासिंग मार्क्स। तो किस टाइप से एक एक चीज जो लगी हुई है वो आपने सब समझ में आया होगा। तो यहां एक तो आपको तुम भी यानी भी जो वर्ड है उससे आपने समझना है कि भी की इंग्लिश आपने किस तरीके से बनानी है, और इन स्पाइट ऑफ का यूज आपने किस तरीके से करना है, यानी इन स्पाइट ऑफ और इसके बाद जो भी वर्ब आएगा आपने उस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। अगर आप इसे डेस्पाइट से भी बना सकते हैं तो डेस्पाइट के यानी इन स्पाइट के प्लेस पे आपने केवल डेस्पाइट का यूज करना है। आप इसका बना देंगे कि डेस्पाइट वर्किंग हार्ड दैट टू 8 आवर्स डेली ही कुडंट सिक्योर पासिंग मार्क्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। और कई बार पूछताछ किए जाने के बावजूद उसने अपने सहयोगियों के नाम उजागर नहीं किए। तो कई बार पूछताछ किए जाने के बावजूद, क्या पूछताछ करने का काम सब्जेक्ट ने किया? नहीं, उससे तो पूछा गया। समझ में आई बात कि नहीं? तो कई बार पूछताछ किए जाने के बावजूद, यानी उससे कई बार पूछताछ किए जाने के बावजूद, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। हम ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं। जब आपका पैसिव वॉइस हो गया तब आप इस दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्लस बी3। तो यहां पहले तो आप इसका यूज कर दें, कई बार पूछताछ किए जाने के बावजूद, मतलब इन स्पाइट ऑफ बीइंग, जो आपका वर्ब होगा आप उस वर्ब का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस के लिए। तो ये हो जाएगा आपका इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंट्रोगेटेड, कई बार, मेनी टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसने अपने सहयोगियों के नाम उजागर नहीं किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि ये जो बात है, उसने अपने सहयोगियों के नाम उजागर नहीं किए, ये कहां पहुंच गई आपकी, पास्ट इंडेफिनिट में। तब आप उसे उसी तरीके से बनाएंगे, ही डिड नॉट। अब बात आती है, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि वोकैबुलरी के लिए आपको ये लगता है कि एक अलग से वीडियो होना चाहिए, लेकिन मैंने इसके पिछले वीडियो में भी एक दो बार आपको बताया है कि अगर वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना दिया और उसमें वर्ड्स बताए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये सोचिए कि उसमें मैं कितने सारे वर्ड्स आपको बता दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये एक लैंग्वेज है, इसकी जो वर्ड्स होते हैं वो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये सारे हमें आ गए बस अब हमारा काम हो गया, क्योंकि ये भाषा है, आप लगातार इसको सीखते रहेंगे और लगातार यूज करते रहेंगे। तो इसलिए वोकैबुलरी के लिए, कौन सी वोकैबुलरी जो यूज करने वाली है, हाँ अगर आप ये सोचते हैं कि किसी कंपटीशन के लिए आपको चाहिए तो उसके लिए निश्चित रूप से आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन यहां आपने वर्ड सीखते जाना है और उनका यूज करते जाना है, और उस तरीके से जो आपका वर्ड पावर बढ़ेगा तो वो निश्चित रूप से रियलिटी में आपका वर्ड पावर होगा। अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि एक बार लिख दिया और वो सारे वर्ड से ही आप काम चलाते रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए, जैसे यहां आपके सामने वर्ड आया है कि उसने अपने सहयोगियों के नाम उजागर नहीं किए, उजागर करना होता है रिवील, ये तो ही डिड नॉट रिवील, उसने उजागर नहीं किया, किसका, अपने सहयोगियों का। सहयोगी होते हैं एकम्पलिस, समझ में। तो
सही हो जाएगा तो ही डिड नॉट रिवेल हिज एकम्पलीज, यानी उसने अपने सहयोग, यानी एकम्पलीज वो वर्ड होता है, इसका मतलब ए पर्सन हु हेल्प्स एनदर टू कमिट अ क्राइम। ये क्या होता है, यानी वो व्यक्ति जो हेल्प करता है किसी दूसरे की कोई अपराध करने में, तो वो सहयोगी जो होता है उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं एकम्पलीज। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वहां बार बार जाने के बावजूद मैं अपना काम न करवा सका। पहले तो सेंटेंस को सही से समझिए, यानी आपको सीधा यहां ये समझना है, कब तक, जब तक कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है तो दो तीन बार उसको थोड़ा सा ढंग से सोचिए कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। क्योंकि मैंने बताया कि मैं इन दोनों चीजों को साथ लेके चल रहा हूं कि उसका एक्टिव वॉइस इस तरीके से आएगा और पैसिव वॉइस इस तरीके से आएगा। तो यहां देखिए कि बार बार जाने के बावजूद मैं अपना काम न कर सका, न करवा सका, सॉरी। तो यहां आपने क्या यूज किया है कि मैं, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो काम को कर रहा है, इट मींस ही एक्टिव वॉइस हो गया। तब आप फर्स्ट स्ट्रक्चर से बना देंगे, तो बार बार वहां जाने के बावजूद, इसके लिए आप यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ गोइंग देयर, ठीक है, बार बार। अगेन एंड अगेन, बार बार वहां जाने के बावजूद। इसके बाद आगे देखिए, मैं अपना काम न करवा सका, इसका मतलब ये जो बात है वो कैन वाली जो बात थी वो पास्ट में पहुंच गई तो कुड हो गया। अब उसका यूज कर दीजिए आई कुडंट। इसके बाद आगे देखिए, मैं अपना काम न कर सका, अगर ये होता तब आप डू का यूज कर देते, लेकिन यहां क्या है कि मैं अपना काम न करवा सका। तो सोचिए जरा, पीछे जो स्ट्रक्चर बताया था आपका गेट, जब आप कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपने गेट का यूज करना है। तो बस वो थोड़ा सा आपको अगर पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप यूज करते रहेंगे रेगुलरली, मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में पिछले स्ट्रक्चर्स का भी बार बार यूज किया जाएगा, इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि पिछले स्ट्रक्चर्स कहीं यहां भूल नहीं जाए। तो यहां हो जाएगा आई कुडंट गेट, अपना काम मेरा वर्क माई वर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कुडंट गेट माई वर्क, और अब वर्क थर्ड यूज करनी है डन। तो ये जो आपका था वो अब जब वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम न करके किसी दूसरे से करवाता है, ऐसी कंडीशन में हम गेट प्लस वी3 का यूज करते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो गेट प्लस वी3 के बीच में आना है। तो ये हो जाएगा आपका कि आई कुडंट गेट माई वर्क डन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बस केवल प्रैक्टिस का खेल है। जैसे गेट प्लस वी3 का भी अगर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज आपके मुंह से उतनी अच्छी निकलने लगेगी। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की तो आपकी ग्रामेटिकल रूप से वो चीज अच्छी हो गई, लेकिन आप उसे यूज करने में थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस करेंगे। सेंटेंस है, कई बार बेइज्जत किए जाने के बावजूद उसने अपने आप को नहीं सुधारा। अब शायद मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, बेइज्जत किए जाने के बावजूद, इसका मतलब उसे कई बार बेइज्जत किए जा, उसने बेइज्जती नहीं की, उसकी खुद की बेइज्जती हुई और उसने अपने आप को नहीं सुधारा। तो बेइज्जती जिसने की,
वो सब्जेक्ट होना चाहिए वो, जो चूंकि यहाँ है नहीं, मतलब हम ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, इट मीन्स ये पैसे हो गया। हालांकि ये मैंने जो वर्ड लिखा है आप उससे भी समझ सकते हैं कि जाने के बावजूद, लेकिन अपन किसी भी चीज को आप ये नहीं समझें कि आप वर्ड में किसी भी शब्द में अपने आप को बांध नहीं लें, आपको सेंटेंस का सेंस, क्योंकि आपको इसको यूज करना है, और यूज करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि जाने के बावजूद देखें फिर उसे ट्रांसलेट करें फिर आप बोलें। आपको तो केवल इतना आना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को फोकस करके बोलेंगे तो एक्टिव वॉइस, और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस करके बोलेंगे तो पैसिव वॉइस। तो कई बार बेइज्जत किए जाने के बावजूद, इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, अब यहां आपका क्या है कि पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस मतलब बीइंग प्लस बी थी, तो ये हो गया इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंसल्टेड, कई बार मेनी टाइम्स, नेक्स्ट है आपका कि उसने अपने आप को नहीं सुधारा, उसने अपने आप को नहीं सुधारा, ये क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनेट हो गया, तब आप उसमें बना दीजिए ही डिड नॉट सुधारना, ये वर्ड मैंने इसके पहले भी कई बार यूज किया था तो मेरे ख्याल से आपको लर्न होना चाहिए। बस इस तरीके से आपको, जैसे कोई वर्ड आपने यूज किया नेक्स्ट टाइम वो फिर से आया, यदि आपको वो अच्छा है तो आपको वो याद होना चाहिए। मैन हिमसेल्फ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बस कोई भी दो सेंटेंस एक सेंटेंस लेकर के आप उन्हें, यानी जिस तरीके से आप लर्न करते हैं बस उस तरीके से आपने कई बार प्रैक्टिस करनी है इस स्ट्रक्चर की, और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बस उसी तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये इस वर्ड हमारे मुंह से अपने आप निकलने लगे, आप समझ लीजिए कि इसका यूज कर सकते हैं। सेंटेंस है आपका, एक शतक बनाने के बावजूद वो भी 70 गेंदों में, वह राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान पक्का न कर सका, तो एक शतक बनाने के बावजूद वो भी 70 गेंदों में वह स्थान पक्का न कर सका, इसका मतलब इसमें जो काम करने वाला है उसको फोकस किया जा रहा है, इट मींस ये एक्टिव वॉइस हो गया, तब आप उसे फर्स्ट स्ट्रक्चर से बनाएंगे, एक शतक बनाने के बावजूद यानी इन स्पाइट ऑफ शतक बनाना, शतक बनाने के लिए यानी रन बनाने के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है स्कोर, आप क्या करेंगे स्कोर में आईएनजी लगा देंगे स्कोरिंग, तो ये हो गया आपका कि इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग अ सेंचुरी। अब आपका वही वर्ड लौट के आया वो भी 70 गेंदों में, तो वो भी 70 गेंदों में मतलब दैट टू, वो भी 70 गेंदों में जस्ट 70 बॉल्स, वह राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान पक्का न कर सका, इसका मतलब वही आपका कैन का पास्ट हो गया, तो ही कुडंट सिक्योर, हिज पोजीशन नेशनल टीम, क्लियर। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका एक्टिव वॉइस में यूज किस तरीके से करना है, पैसिव वॉइस में यूज किस तरीके से करना है, दैट टू इवन दैट इनका यूज आपने किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो आपका तीसरा स्ट्रक्चर था, एक बार उसको भी और देख लीजिए, यानी जब आपके पास सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होती और उसके लिए आपको कोई नाउन या एडजेक्टिव मिलता है
तब आप उस नाउन या एडजेक्टिव वाले सेंटेंस में इनकम्प्लीट वर्ब के रूप में जो बीइंग का यूज करते हैं वो आपने किस तरीके से करना है। तो शायद मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर तो आपने इससे पहले देख ही लिया होगा, अब आपने तो केवल यहां इसके एक दो सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस है आपके सामने, इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद। तो इसके पहले सेंटेंस में और यहां देखिए, यानी दोनों में अंतर क्या है कि वहां आपके पास कंप्लीट वर्ब होती थी जबकि यहां आपके पास कंप्लीट वर्ब नहीं है, उसके प्लेस पे होना आ गया। आगे इसको कंप्लीट कर देते हैं। यानी इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद वह 10 रन भी नहीं बना सका। तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नाउन या एडजेक्टिव है अच्छा प्लेयर, वो आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से अगर आपका आता है तो ऐसी कंडीशन में यहां आपने काई का यूज करना है, बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज करना है। तो इन स्पाइट ऑफ, यहां देखिए दो वर्ड है, इतना, इतना के लिए आप सो का भी यूज करते हैं और सच का भी यूज करते हैं। बस ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना वो समझ लीजिए। यानी अगर आप किसी नाउन को इतना बताना चाहते हैं ऐसी कंडीशन में आप सच का यूज करें, और यदि आप किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए आप सो का यूज करेंगे। तो यहां देखिए, इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद, यानी यहां आप जो यूज कर रहे हैं वो अच्छा प्लेयर यानी प्लेयर के लिए यूज कर रहे हैं जो कि एक नाउन है, तो इस कंडीशन में आप यहां सच का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कि इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद, इट मींस इन स्पाइट ऑफ सच अ गुड प्लेयर, ये हो गया आपका इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद वह 10 रन भी नहीं बना सका। ये आपका वही कैन का पास्ट हो गया, तो ही कुडंट स्कोर इवन 10 रन्स। तो ये हो गया आपका कि वह 10 रन भी नहीं बना सका। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने इन स्पाइट ऑफ को एक्टिव वॉइस में यूज करना है, तब आप उसके साथ डायरेक्ट बीफोर का यूज करते हैं, जब आप इसका पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तब आपने क्या करना है, बीइंग प्लस V3, जो V4 था उसे आपने कन्वर्ट कर देना है बीइंग प्लस V3 में। सेंस जो था वो मैंने आपको बता दिया कि जो वहां था के बावजूद, जो चेंज होके यहाँ क्या हो जाएगा, जाने के बावजूद, यानी सीधे सीधे बात आ गई कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को फोकस करते हैं वही पैसिव वॉइस में। जब थर्ड कंडीशन ये है आपकी कि अगर आपके पास सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आता है तो उसके होने के सेंस में आपने बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। चलिए इसका एक सेंटेंस और देखते हैं। मेरे फादर होने के बावजूद वो मेरी हेल्प नहीं करते, तो आप क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ, ये जो बीइंग आपने यूज किया है वो किसके लिए, होने के लिए, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग माय फादर, क्लियर। इसके बाद वो मेरी हेल्प नहीं करते हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब आप यहां क्या करेंगे, ही डज नॉट हेल्प मी, क्लियर। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। इतना रिच होने के बावजूद उसने 10 रुपए भी डोनेट नहीं किया,
बात आ रही समझ में? यहाँ देखिए इतना जो वर्ड है, ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है, इतना जो वर्ड है वो किसके लिए आया? रिच के लिए। अभी जो आया था वो प्लेयर के लिए आया था। रिच क्या हो गया? ये एक एडजेक्टिव हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां सच का यूज ना करके सो का यूज करेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ होने के सेंस में आप बीइंग का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग। अब आप यहां सो रिच करेंगे, ठीक है, यहां आप सच रिच नहीं कर सकते थे क्योंकि ये आप एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो रिच ही डिड नॉट डोनेट। इसके बाद आया 10 रुपए भी, इवन 10 रुपीज। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको आज का जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आपने इसको एक्टिव वॉइस में, किस तरीके से पैसिव वॉइस में, और किस तरीके से बीइंग के लिए आपने इसे यूज करना है। बस केवल आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा करिए, धीमे धीमे करके आपका स्ट्रक्चर्स भी सारे अच्छे हो जाएंगे और आपकी जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड रेगुलर में आप यूज करते हैं, वो सारे वर्ड्स आपके धीमे धीमे इसके थ्रू अच्छे हो जाएंगे। ओके।